तो अब इसियों में चलते हैं अपन, जहाँ रिलेशनशिप के बारे में बता रहे थे पति और पत्नी के। तो हमने 21 और 22 पढ़ा था, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। फिर लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। तो यहां क्या समझा है कि सिर है, दैट मीन हेड इज ऑलवेज द मैन इन द फैमिली। जैसे कि बताया था ना कि आदम को रक्षा देने के लिए बनाया, तो जैसी अगर फैमिली में हेडशिप मैन की नहीं है, हस्बैंड की नहीं रहेगी, तो देयर विल बी अ कर्स सेटिंग, प्रॉब्लम शुरू होंगी 101%। और हेडशिप ये नहीं है कि आप रुतवा जमाने लग जाओ, बिकॉज लिखा क्या है एक दूसरे के अधीन रहकर। तो हेडशिप इज कमिंग, जिसको समझाया यहां पे, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। कैसे उद्धार करता बना, अपने आप को देख के। तो हस्बैंड शुड बी विलिंग टू गिव एवरीथिंग फॉर द वाइफ टू मेक हिमसेल्फ हेडशिप। वो है प्रिंसिपल, नॉट कि आप कैसे, यीशु मसीह ने क्या दिखा, ही बिकेम अ सर्वेंट सो दैट सर्व करा उसने, सबके पांव धोए, सब दैट टाइप ऑफ लीडरशिप इज नॉट कमिंग बाई ऑटोक्रेसी या अपने आप को बहुत बड़ा बता देना। इट इज हम्बलिंग, वो जो चीज है वो खाली मसीह की आत्मा के अधीन। मैं अपना जीवन बताऊं, मैं जिसमें सब्सक्राइब के साथ रहा टिल 98, हमारी लाइफ बल्कि यहाँ तक एक पोजिशन बन गई थी कि वी वुड हैव डाइवोर्स ऐसी छोटी छोटी लड़ाई से, कोई बहुत बड़ी लड़ाई क्योंकि अपनी आप क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। मैंने कहा तो क्या पढ़ लिखी, मैं तो आया फिर अपने आप में घमंड करना, दैट इज नॉट व्हाट इज इन गॉड। बट 98 शी स्लेप्ट इन द लॉर्ड इन 2005, दैट इज 7 इयर्स, वी हैड अ ग्लोरियस लाइफ, बेस्ट मैरिड लाइफ। और मेरे बड़े बेटे का विटनेसिंग यही थी, जब हम उद्धार पाए मैंने वो हम लोग के जीवन को देख के ऐसा ऊब गया था कि उसने बोला कि पापा मम्मी मैं आपसे आज एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, अगर अपन ने उद्धार नहीं पाया होता तो आई वॉज वॉन्टिंग टू कमिट सुसाइड। अमन क्या है ये वचन, बिकॉज घर में मैं को देखता, देखो मैं आपको बता दू फैमिली वाइफ चर्च लाइफ में वी वर द एक्सीलेंट कपल। मेरी वाइफ संडे स्कूल लेती थी, मैं सबको कार में लेकर कराना, क्रिसमस कैरल सिंगिंग आपके उनसे जगह होता है ना वो हॉल में, उसमें सब मैं प्राइज और सब चीज करता था। और मैं पास्टरेट कमेटी में था, शिक्षा समिति में था, सारी होता था वो क्या अपने आप पे सेल्फ राइचियसनेस। घर में हालत क्या, अपनी भाई बहन से लड़ते थे हम लोग, हम एक दूसरे से लड़ते थे, जो बच्चे का जो उनको बड़ा अजीब लगता था कि ये चर्च में तो वी आर ब्रैकेटेड एज द बेस्ट कपल ऑफ द चर्च, घर की हालत बिल्कुल। तो मैं जो आज आपको जो प्रीच कर रहा हूँ, मैं आई हैव लिव्ड थ्रू दैट, मैं उस जीवन से निकला हुआ हूँ जहाँ पे मैंने ये सब चीजें अनुभव किया है कि क्या जिंदगी थी और आज क्या जिंदगी है। तो दैट सेवन पीरियड, सेवन ईयर्स वाज ग्लोरियस, दैट इज वेयर इट इज। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि उसके जब से मैं प्रभु में आया तब मैंने शेयर करना शुरू कर, मैं हेल्प करने वाला हो गया, मैं हर चीज को करने के लिए तैयार हो गया, एंड दैट इज रिलीव फ्रॉम एवरी प्रॉब्लम। चलते हैं आगे पढ़ते हैं 24 में लिखा था, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नी भी हर बात में, देखो ऐसा नहीं लिख रखा है कुछ बात, हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। तो अधीनता वो नहीं है कि हम सब्जेक्शन ड्यू टू सो कॉल्ड फ्री, अधीनता बाय लव। कलीसिया किसके आधार पे चलती है, दो चीज, लव एंड फेथ, एंड दैट टू अपने हमारे प्रेम से नहीं, परमेश्वर के प्रेम से हम अधीनता में। इसके लिए जो कमांडमेंट जो नए नियम में आकर वो नहीं है जो लोग बाग कोट करते हैं मत्ती 22 में से, लव योर गॉड विथ ऑल योर स्ट्रेंथ विथ ऑल योर हार्ट
एंड लव योर नेबर एज योर सेल्फ, दैट इज अंडर द लॉ, व्यवस्था के अधीन वो दिया गया था। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कमांडमेंट दिया, वो है योहन्ना 13:34-35 में पढ़ते हैं। योहन्ना वो जो कमांडमेंट दिया गया था वो किसको दिया गया था, एक लॉयर को, अर्थात व्यवस्थापक जो था उसने पूछा तो उसको व्यवस्था के अधीन ही दिया। आई एम गिविंग यू अ न्यू कमांडमेंट, ये आप पढ़ रहे हैं किसमें है, 34 जी पढ़े। आई एम गिविंग यू अ न्यू कमांडमेंट दैट यू लव वन अनदर जस्ट एज आई हैव लव्ड यू, नॉट एज यू लव ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेम करते उससे नहीं बोला, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। तो यीशु मसीह ने कैसा प्रेम था, परमेश्वर का, दैट वाज लाइफ, लव फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। वो कब उदेगा जाता है, जब रोमियो 5:5 में लिखा था है, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के साथ उधेला गया है, वो होता नहीं है पहले। आप जो प्रेम कर रहे हो एक दूसरे से या परमेश्वर से, वो सब आपके मनुष्य के प्रेम से कर रहे हो। तो मनुष्य का प्रेम हर चीज से जुड़ा है, बीवी को क्यों प्रेम करता कि बहुत अच्छा चाय पिलाती, खाना खिलाती, या आदमी बहुत अच्छा कमाता है, बनाना करता, गाड़ी दिलाती है, उससे प्रेम नहीं करना है, परमेश्वर के प्रेम से करना है, जो कि निस्वार्थ, नथिंग एंड दैट इज बेस्ट। उसको पढ़ना चाहे तो वो 1 Corinthians 13:4-8 में लिख रखा है, वहां पे प्रेम के बारे में बताया। और प्रेम के शब्द की जगह अगर आप उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे तो समझ में पड़ जाएगा कि वो परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि वो सारे परमेश्वर के गुण है और वो आपके अंदर है नहीं, और वो प्राप्त किया जाना। इसके लिए रिलेशनशिप जब तक परमेश्वर से नहीं हुआ है आपका, तो आपका कोई भी रिलेशनशिप, आप कितनी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड की बुक्स लिया है, मैंने सब आजमाए हुए हैं, आई एम ओके, यू आर ओके, ये सब मैंने पढ़ के सब कोशिश करी है, कुछ नहीं बदलेगा। सबसे पहली चीज क्या बदलनी है, आपका रिश्ता परमेश्वर से होना, उसकी धार्मिकता हमारे अंदर आना। अमीन। तो इसके लिए उद्धार, इसके लिए सुसमाचार, इसके लिए जो आंसर है आज दुनिया में जो रिलेशनशिप्स का है, वो किससे मिल रहा है, परमेश्वर से हमारे रिश्ता होने। तो परमेश्वर का रिश्ता ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का है। अमीन। हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है। तो वापिस चलते हैं हम इफिसियों में ही, वापिस इफिसियों में कहां तक पढ़ा था हमने, 5 में 24 पढ़ लिया था जी। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। मगर ये इसके लिए लागू नहीं होता कि पति दारू पी रहा तो आप भी उसके अधीन होते दारू पी रहे। कलीसिया कैसे अधीन है, कलीसिया किस वैसे छूट जाते हैं ये आत्मा में चलना नहीं। तो जो चीज क्या है, किसके अधीन होना है, कलीसिया के, किसके आधार पर होना चाहिए, जो वचन बेस्ड हो। अगर आपका पति बेईमानी करके कमा रहा है, फिर कहोगे मैं भी बेईमानी करके कमा लूं, तो वह अधीनता नहीं है वो। क्योंकि बाइबल में आत्मा में चलने के लिए कोई ये सब चीजें नहीं है कि ये ढूंढना है कि मैं पवित्र आत्मा से पूछूंगी बेईमानी करूं कि नहीं करूं। जो वचन में लिख दिया है कि बेईमानी है, घूस लेना पाप है, झूठ बोलना पाप है, उसको जाकर ज्यादा पूछने की कोशिश मत करना पवित्र आत्मा से, समझे। तो ये तो मैंने ऐसे ऐसे भी पास्टर्स को देखा है बेवकूफियां करते हुए। मैं मलेशिया में गया था तो एक पास्टर ने बोला, वो क्या बेवकूफी कर रहा था कि कोई एक लेडी जो कि अपने पति से दुखी हो गई थी, छोड़ दिया था, तो उसको बोल रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप मेरे कंधे पे सर रख के रो सकती हैं। पवित्र आत्मा ये चीज कराने के लिए आपको कभी नहीं बोलेगा, समझ में आ गई बात। खुद शादीशुदा है, दूसरी ओर उसको बोल रहा है कि तुम मेरे कंधे पे रख के नॉट लेट बाय द स्पिरिट। गलती यहाँ सिर्फ इतना है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। तो ऐसी चीजें भी करते हैं, इसके लिए आप समझ सकते हो कि पवित्र आत्मा से चलने के लिए कोई ज्यादा नहीं, आप वचन के अनुसार समझ लें। व्यभिचार व्यभिचार है तो व्यभिचार व्यभिचार है, उसको कोशिश मत करिए कि भाई पवित्र आत्मा बता रहे मैं आपको इस रात व्यभिचार कर लूं और फिर सही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज समझने वाली बात है।
फिर हमने पढ़ा 25 पढ़ते हैं, हे पतियों, हम पतियों के लिए हैं, ठीक है ना राजेश जी, अविनाश जी, अनिल जी, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब ये बहुत बड़ी चीज बोली है, कैसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम रखा परमेश्वर ने, कि अपने आप को सारे जगत के लिए क्रूस पर दे दिया। वैसा प्रेम होना चाहिए पति का पत्नी के लिए। हम अपनी पत्नियों की छोटी छोटी गलतियों में डांटने पटकारने लगते हैं, नहीं होना चाहिए। क्यों कर सकते हैं, जैसे इफिसियों में लिखा था, बिकॉज हम आज क्यों माफ कर सकते हैं, इफिसियों को 4 ही का पढ़े, 4 का आखिरी 2 आयत पढ़ रहा हूं, सब प्रकार की कड़वाहट, देखो बड़ा स्पष्ट लिखा था, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कले और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह है रिलेशन का एक सबसे बड़ा सूत्र, तो दुनिया में आपको नहीं मिलता। सही सूत्र कहां मिल रहा है, बाइबल में, जैसे गॉड हैज फॉरगिवन यू फॉर योर सिन, करेगा नहीं तो पुरानी व्यवस्था में क्या था, यहाँ तक कि आप जब आवर फादर जो क्या बोलते हैं लॉर्ड प्रेयर, उसमें लिख रखा है जब हम अपने कसूरवारों को माफ करेंगे तब परमेश्वर हमारे कसूरों को माफ करेंगे। वो व्यवस्था में था, यीशु मसीह जब तक मरा नहीं था जब तक वही थी व्यवस्था कि जब हम माफ करते थे तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा। मगर जब यीशु मसीह मर गया और जी उठा तो उसके बाद क्या हो गया, सारे पाप माफ हो चुके हैं। तो आज हमारे को माफ इसके लिए नहीं कर रहा कि हम किसी को माफ करेंगे, तो आज परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया है। अंकल लिखा भी है कि जैसे तुम्हारे पाप, जिस प्रकार से प्रेरित बहुत जगह मरकुस 11 में भी लिख रखा है, प्रार्थना में खड़े हो तो सबसे पहले अपने भाई को और उसको माफ करो तब तुम्हारी प्रार्थना को सुना जाए। हमारा ऐसा नहीं है, आज आज परमेश्वर आपके पापों के माफ करने नहीं करने से नहीं है, वो सुनने वाला परमेश्वर, यही तो सुसमाचार है। पर हमारे अभी भी क्या, हम ये सोचते कि हमारी आज्ञाकारिता से हमको परमेश्वर ब्लेस करेगा, नहीं, ही इज ऑलरेडी ब्लेस्ड यू। बहुत बड़ा फर्क आ गया, नए नियम में और पुराने नियम में और व्यवस्था में बहुत फर्क है कि आज बिल्कुल बदल दिया। आज मैं अगर नहीं भी माफ कर रहा हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, तब भी परमेश्वर सुनता है। जब इस गलतियों 3 में जब लिख रहे कि आश्चर्य करेगा, इसके लिए नहीं हो रहा कि तुम व्यवस्था के कारण, परमेश्वर जैसे तुमने आत्मा पाई, आत्मा कैसे पाई, विश्वास करने से, व्यवस्था के कामों से नहीं। तो आश्चर्य कर्म भी किसके कारण होते, विश्वास से होते। यस यीशु मसीह जी, थैंक यू। चलिए आगे पढ़ते हैं, तो हम अब वापस चलते हैं 5 में हमने कहां तक पढ़ा था, 25। तो अपने प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। दैट इज अ सैक्रिफिशियल वे। आप जैसे ये करने वाले हो जाओगे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जब तक कोसते रहोगे छोटी छोटी बातों पे, मैं क्यों करूं, भूला करके, तो देखो एक बार कितना बड़ा बदलाव। आप एक करोगे तो वो 4 करने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है, मैंने अपने जीवन में देखा है कि ऐसे ही होता है, क्योंकि बाइबल के वचन कभी फेल नहीं होते। यू कैन बी फॉर ग्रांटेड, जैसा इसमें लिखा है वैसे ही होगा। फिर पढ़ते हैं हम कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, कभी भी हमारे अंदर जब रिलेशनशिप को जब चलते हैं, हमको एक दूसरे को करेक्ट अपनी सोच समझ से नहीं करना है। किसके द्वारा करना है, वचन, क्योंकि दूसरा तिमोथी 3:17 क्या कहता है, 16:17 पढ़ते हैं एक बार, 3:16:17 दूसरा तिमोथी, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ जी। और उपदेश और समझाने, उपदेश और समझाने और सुधारने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, बेलनों से नहीं, हड्डियों से नहीं सुधरता,
किससे सुधरता है? धर्म की शिक्षा, वचन शास्त्र। धर्म शास्त्र क्या कहता है उस विषय? हम क्या करने लगते हैं? गाली गलौज, बेलन चलाने लगते हैं, चाय देना बंद कर देते हैं। उससे नहीं सुधरता। वचन पे जब तक आधारित नहीं होगा हमारा कोई चीज, तो वो सुधर नहीं सकता। तो इसी के लिए लिखा है, जैसे कैसे कर रहा है परमेश्वर, यहाँ पे भी लिख रखा है कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे को शुद्ध करता है, और वो सारा जो स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाता है। तो परमेश्वर हमारे को वचन में कैसे अनुग्रह से करता है? नए नियम में आकर वचन का क्या आधार है? अनुग्रह, माफ करने से, फॉरगिवनेस लाने से। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम माफ पा चुके हैं। इवन बहुत जगह सारे देखो, नए नियम में आकर जितने भी एडवाइस दे रखे हैं वो आज्ञाकारिता के लिए नहीं दे रखे हैं। यहां आप समझे कि वो इसके लिए दिए गए हैं ताकि उससे परमेश्वर और आपके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ते। आपका रिश्ता परमेश्वर से क्यों होता है? मात्र यीशु मसीह के सुसमाचार से, फुल स्टॉप। उसके अलावा और कोई कारण नहीं है आपका परमेश्वर से रिश्ता होना। और एक बार जब रिश्ता हो जाता है तो खत्म भी नहीं हो सकता। अब जो आज्ञाकारिता है, एडवाइस जितने भी आपको रूसियों में बहुत लिख रखा है कि दीन होकर चलो, अपने इस लिबर्टी को ऐसा मत लो कि पाप करते हो, ये सब आपके इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन है, गॉड और मैन के लिए नहीं है। आपकी जितनी एडवाइजरी जो नए नियम में आकर जितनी भी अच्छी चीजें लिख रखी है नए नियम में, जो करने के लिए आप बहुत चीजें पढ़ सकते हो, उसको मैं नहीं जा रहा हूं। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, और फिलिपियों में, कुलुसियों में, सब में लिख रखा क्या करना है। यहां तक कि मलूस कराए कि अपने बदन को संभाल के रखो। क्यों रखो? फॉर बेटर। अगर आप हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के बदन को भी संभाल के रखोगे अपने, तो यू विल नॉट एंजॉय द रिलेशनशिप। उसके लिए दिया गया, परमेश्वर से कुछ रिश्ता पाने के लिए नहीं दे रखा। तो ये है आप सारी एडवाइस जो आज आपको जो भी सलाह दी गई है न्यू टेस्टामेंट ने, उद्धार पाकर किसको पूरा करने के लिए? ताकि हस्बैंड वाइफ में, फादर मदर में, बच्चे में, और जो भी इसमें में आगे चल के जितने भी एडवाइजरी की ऑनर योर पेरेंट्स, उससे परमेश्वर की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके साथ एक एडवाइस, एक बेनिफिट है कि यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। इसके लिए करना। हम क्या कर रहे हैं कि आज हम ऑनर करेंगे माँ बाप का, तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा, फुल स्टॉप। सवाल ही नहीं। आप नहीं भी करोगे तब भी परमेश्वर आपसे खुश है, वो नाराज नहीं हो रहा आपसे। ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्यों कर रहे हैं हम अब ये चीजें? क्योंकि हमारे बेनिफिट के लिए। अब आप बीबी को जाकर एक गुलदस्ता तो देकर देखो, जब डेटिंग करते थे जब दिया था, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। वो नहीं करते हम लोग डेटिंग पहले तो इफ यू हैव डन अ लव मैरिज, पहले सब चीजें वो करते थे जो कि अच्छा लगता था। शादीशुदा होने के बाद मानते कि ये सब चीज अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। रिलेशनल इश्यूज आर डन बाय एक्शन। इसके लिए लगता है कि हमको जब हम इंटर मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो एक रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, वो किस पे आधारित है? आपके एक्शन। इसीलिए बोल रखा कि अच्छा ये मत कह देना कि हाँ गरीब आया तो कह देना हाँ भला चले, नहीं करके दिखाना है। अब बात समझ में आ रही है? परमेश्वर से के लिए कुछ लेने के लिए जरूरत नहीं है। वो किसके लिए जरूरत है? हमारे लिए। आप करो तो कि बेचारे अगर वो अज्ञान है, परमेश्वर को नहीं जानता, तो वो जान सके कि परमेश्वर कौन है। आपको देखेगा तो उससे क्या आएगा? उस परमेश्वर के प्रेम में चलोगे तो क्या आएगा? तो समझ सकेगा परमेश्वर कौन है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वही यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम कहते हो कि मैं में बने हुए हो, तो जैसा मैं चलता हूं तुमको चलने वाला हूं। ठीक है ना? तो अब समझ में आ रहा आज्ञाकारिता किसके लिए चाहिए? परमेश्वर से रिश्ते या खोना है उसका कारण नहीं है। आज्ञाकारिता सुसमाचार से, इट इज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए एक सहायक बन सकते। और वो चीज भी वापिस यीशु मसीह ने कहा, उसने लोगों को चंगा करा, उसने वैसे ही हमको भी एक दूसरे के लिए होना है। हमें ये है रिश्ते की बात जो समझ में, कि
कि हमारी की आज्ञाकारिता परमेश्वर से कुछ लेने या देने के लिए नहीं, नहीं। वो आज हमारे एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को कैसे प्यार कैसे बांटोगे। लव विदाउट एक्शन इज डेड। ये चीज समझा रहा है परमेश्वर का वचन। 27 पढ़ते हैं। याकूब कहता है लव विदाउट एक्शन। नहीं वो तो लव विदाउट फेथ है, वो भी अभी समझाता हूँ मैं आपको। okay, और उस एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। तो बेसिकली जब तक इस प्रिंसिपल्स को जैसे मैंने समझाया नहीं चलोगे, आपके अंदर दोष एक दोषारोपण और यही होता रहेगा, और लोग फिर आपको देख के नहीं मान सकेंगे, कोई नहीं आएगा परमेश्वर के पास। क्या रिश्ते ने बोलते तो है, करते तो आपको देखा कई लोग इसके लिए नहीं आ रहे क्यों, कलीसिया को देख के मानते ही नहीं है। क्या फायदा इस यीशु मसीह के पास आने से, लड़ता वैसे ही है, वैसी बीमारी करता है, वैसी जो करता है, क्योंकि वो रिश्ता पाया ही नहीं उन्होंने। वो चीज बदलाव लाती है। 28 में लिखा, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी में अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। इसमें बहुत बड़ा एक सत्य छुपा है। अगर आप पत्नी से प्रेम नहीं रखते तो वास्तव में आप अपने आप से भी प्रेम नहीं रखते। ये समझते नहीं है क्या लिखा हुआ है। पत्नी से प्रेम रखो तो उससे क्या सिद्ध हो रहा है कि आप अपने से प्रेम रखो। तो ये बहुत बड़ा सत्य है। अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को प्रेम नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअली में दे आर नॉट इवन लविंग देमसेल्फ। अब समझ लो आप क्यों बीमारियां आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है, क्यों आप फेल हो रहे हो अपने जॉब प्लेसेस में, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। ठीक है ना। ट्राई हग रियली एवरी मॉर्निंग, यू लव इट। ट्राई हग इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के कभी बोले तो सही, I love you, darling. You're so cute. बोलो तो सही। मैं तो बहुत बोलता हूँ। मैं अब बिना तो भी so clear about this thing. मैं even after मैं that is what is needed. That is the way of expression of love. कभी लेकर तो आओ Valentine Day पे कुछ बढ़िया सा। When I express it, he just laughs. He doesn't respond. सब दुनियावी स्टाइल में चलने वाले लोग हैं। Exactly. दुनियावी स्टाइल में। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। आपके घर में होता नहीं होता उससे नहीं फर्क पड़ता। बाइबल क्या बताती है उसको करना सीखो। इवन वेरी फ्रैंक विद यू, बिना उसको ब्रॉट अप इन अ फैमिली, वहां पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़ा सा वो इचकती है, नहीं करना। इवन मैं जैसे बताया नीलू के साथ रिलेशनशिप बढ़ा, तो वी यूज्ड टू हग बिफोर ईच अदर बिफोर आवर चिल्ड्रन, एंड नाउ दे नो व्हाट द लव ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज। आप सिखा ही नहीं पाओगे अपने बच्चों को कि प्रेम क्या होता है, और वो आगे समझ ही नहीं पाएगा कि बीवी आदमी में और उसमें कैसे, क्योंकि यू आर द मॉडल्स फॉर दैट। करना चाहिए सब चीज। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी को अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपने पति से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ। मैं बताएं पालन पोषण करना यहाँ पे किसको आधार दिया है, पति को दिया, पति के लिए नहीं दिया, बेसिकली फैमिली के लिए एक्टिवली यू हैव टू डू, हस्बैंड शुड टेक द फर्स्ट स्टेप। तो वो है बिब्लिकल फैमिली कि हस्बैंड विल बी द हेड, ही हैज टू टेक कंट्रोल। अक्सर हमारे क्या होता है कि अच्छा बच्चों को बाइबल तुम सिखा दो, तो नहीं आप बैठिए आप सिखाइए, अवॉइड करते हैं, पास्टर आप ही रहेंगे। पासवान साहब बीवी तो खाली डीकन हो सकती है, हेल्प कर सकती है आप, आपको लेना चाहिए बच्चों को सिखाना सब कुछ। मैं अपने जैसे प्रभु में आया, मैं हर चीज में बच्चों को मैं ले जाता था, मैं करवाता था, स्विमिंग कराना, बच्चों को पढ़ाना सिखाना, ये सब चीज बाइबल की बातें मैंने सबसे ज्यादा सिखाई है बच्चों को, जो आज भी सीखते रहते हैं वो, बल्कि बच्चे अब मेरे को सिखाते हैं कई बार। कहाँ चल लो विश्वास में, yeah,
29 में लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, ना अच्छा, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। देह के अंग हैं मैंने एक दूसरे के, बेसिकली जैसे कलीसिया है वैसे हम भी एज अ फैमिली कलीसिया के अंग है। और हम बाइबल में लिख रखा है अगर हाथ ये कह दे कि मैं काम नहीं करूँगा तो वो नहीं चल सकता, तो जैसे कलीसिया में हर चीज जरूरी है, ऐसी पति और पत्नी का भी सब चीज करना जरूरी है। फिर लिख रखा है इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हमारे वैसे होता उल्टा है, बेचारी पत्नी माता पिता को छोड़ के पति के पास आकर रह रही है, बल्कि बाइबल में बड़ा उल्टा है पति छोड़ के आई कांट से वेरी क्लियरली विद आवर कल्चर एंड ऑल बट दैट इज अ बेसिक पोजीशन। जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली मैंने आप देखोगे तो क्या था, जेकब कहाँ था, अपने पत्नी के घर में पत्नी को लेकर वहां नहीं आया। वेरी इंटरेस्टेड तो वन हैज टू थिंक अबाउट इट। हम लोग इतने स्टॉन्च हो जाते हैं कि नहीं चेंज चाहिए भाई, चलो जेकब के साथ जस्ट कुछ पर्टिकुलर ऐसा सिचुएशंस नहीं, मगर हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नहीं 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 हम तो घर जमा नहीं बने, घर जमा ही नहीं बने, ऐसा नहीं बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आने ही नहीं चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज लिखी है जिसको समझना है आप लोगों को, यहाँ लिखा है आप क्या पढ़ रहे थे, वेद तो बड़ा है 31 इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। दैट्स नॉट मेनली द सेक्सुअल रिलेशनशिप ओनली, दैट इज ट्रू, होना चाहिए एक तन होंगे तो मीन्स हर चीज में आपकी सोच आपकी समझ एक जैसे मिले, बेसिकली एज ए हस्बैंड वाइफ एक मन भी होंगे। घर में जो भी डिसीजन लो, कैसा भी डिसीजन हो, दोनों को ज्वाइंटली लेना, जो करते नहीं होंगे इंडिविजुअली ले, हमेशा ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए। प्रेज गॉड अंकल, इस चीज में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ी सी क्लैरिटी, दैट एज इंडिविजुअल्स हम अलग अलग एनवायरमेंट में रेज हुए, डिसीजन एक होना, मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही कभी कुछ गलत होगा ना, तूने ऐसा कुछ लिया था, व्हेन यू डू इट ज्वाइंटली हमने ऐसा लिया, ये फर्क है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज सही ले लो, मगर यू विल ओ दी अकेले जब ले लेते हैं तो यही आता है सबसे पहले, तुमने कर लिया अपने आप से अपनी सोच समझ से, मेरी तो सुनी नहीं तुमने। हमेशा जो भी जितने भी मेजर डिसीजन नहीं चाहिए आपको ये बता दूं, एक मिनट एक मिनट, बाइबल ऐसा नहीं बताती है, बाइबल देखो 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 समझो, बाइबल ऐसा नहीं बताती, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए कैसे चलोगे, खाली जॉब प्लेस में या सुबह सब्जी में कितना नमक डालना है वो भी आपके आत्मा से चलाए चलना है। तो आप ये मत सोच लें कि मेजर और माइनर डिसीजन होता है, सब डिसीजन बराबर होते हैं, नथिंग लाइक मेजर एंड माइनर डिसीजन, इसको करने लगोगे तो आप बिल्कुल स्क्यूर हो जाएंगे। हमेशा एक दूसरे से पूछिए, पूछ के तो देखो आज सब्जी क्या खाना चाहते हो आप, तो सिर्फ अपनी चॉइस बताते हो, रोजाना ही करेला बनाते हो, मेरा तो यार और ये हो रहा है, बोलते कि तुम्हारे को डायबिटीज है इसके लिए खाना है, जस्ट कीप एन ओपन माइंड, बहुत अच्छी बात है अगर रोजाना दोनों दिन डिसाइड करते हो, बहुत अच्छी बात है करो, मैं फिर ये नहीं बोल पाओगे कि यार रोजाना करेला खिला देती हूँ तो ये मतलब है बेसिकली एवरी डिसीजन लाइक व्हेन यू आर परचेजिंग अ कार, व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग, हो सकता है आपके उसमें ज्ञान नहीं, देन यू गिव द इनपुट, आप बताइए इसके लिए अच्छा है कि मारुति से अच्छा हुंडई है, हुंडई से अच्छा फलाना है, वो आप जान सकते हो तो बताइए, देन यू गेट कन्विंस, देन ले। कई बार आप सोचेंगे कि कुछ राय गलत दे रहे कि चलो अब तो सीधा वो ले लेते हैं ऑडी ले लेते हैं, ऑडी लेने की जरूरत नहीं है जब पता है कि ना तो बाजार में जाएगी वो जाएगी ना कोई स्क्रैच लगाएगा, बेहतर है छोटी गाड़ी तो गाड़ी लेना,
चार चार गाड़ियां लेकर नहीं बैठा, अकॉर्डिंग टू यू। तो ये मतलब है बेसिकली डिसीजन। और दूसरी चीज, व्हेन यू आर डिसाइडिंग, पीपल फ्रॉम योर फैमिली शुड नॉट इन्फ्लुएंस दैट डिसीजन। जब मियां बीबी एक होकर एक निर्णय लेंगे, घर वाले उसमें इंटरवीन नहीं कर रहे। जैसी घर वालों की राय से आप चलने लगोगे, कर सेटिंग आप ना, तो व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ डाइवोर्स? पेरेंट्स ऑन या आपके रिश्तेदारी होते हैं, बाहर से नहीं होता आदमी। ये चीज आप देख लें जब भी इसके लिए। एंड हम दोस्त, और कोई भी चीज कभी भी हस्बैंड और वाइफ को अपनी गलतियों को हाइड नहीं करना चाहिए अपने। यू शुड कन्फेस एक दूसरे के सामने अपने पापा को बताना चाहिए। उसमें डरते हैं हम लोग, नाराज हो जाएंगे। नहीं, एक्चुअली व्हेन यू विल डू इट, यू विल कम बैक टू योर रिलेशनशिप विल इंप्रूव। हम क्या दूसरों के पास जाकर बोलने लगते हैं। बेस्ट इज एक दूसरे। आपका रिश्ता कभी भी बिगड़ेगा नहीं जब आप अपनी सारी कमजोरी और स्ट्रेंथ को एक दूसरे को शेयर करोगे। और जैसे ही छुपाओगे, कुछ ना कुछ सेटन विल यूज इट फॉर। क्योंकि जैसे ही आपने छुपाया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होगी। तो ये चीज कुछ बहुत मूल चीजें हैं रिलेशनशिप में। फिर यहां पे लिख रखा है, ये भेद तो बड़ा है, 32 में लिखा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। देखो, आपको पता है एक बहुत बड़ा भेद जो छुपाया शैतान से। क्या भेद छुपा हुआ था? कि उसको ये पता था यीशु मसीह क्रूस पर। बिल्कुल सही, ये एक भेद छुपाया था। बाकी सारा वचन तो बोलता था वो। He quoted Psalms 91 in when he tempted Jesus। पर यही चीज लिखा था है, सबसे बड़ा भेद क्या है, बल्कि इसको पढ़ते हैं तो समझ में आएगा आपको। पहला कुरिन्थियों क्या लिखा है, 8 में लिखा हूं, पता नहीं 7 से पढ़ता हूं। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, यानी छुपा हुआ ज्ञान, भेद के रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। क्या है उसको समझाया, जिसे माने उस गुप्त ज्ञान को इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। सबसे लर्नेड पीपल थे हाकिम उस टाइम के, पर इसी और ये लोग सारी बाइबल जानते थे, पर तब भी ये नहीं जानते थे कि ये क्यों है। लिखा क्या है, हाकिमों ने किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजव में प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाले कौन थे, पर इसी लोग थे। शैतान ने किसको इस्तेमाल करा, सबसे ज्ञानवान उस टाइम के लोगों को। अब समझते हो कि संसार का ज्ञान कितना बेवकूफी। शैतान भी नहीं जान सका कि क्या कर दिया मैंने। नेक्स्ट थिंग, क्रूस पे चलाकर जान उसने नहीं ली। He could not kill them। वो तो परमेश्वर ने जान दी। Now I give my spirit। खाली प्रताड़ित कर सकते ये सोच के कि ये सब कर दिया तो गया था। ये सोचे थे कि इससे क्या नहीं मर जाएगा और The biggest truth of which has been kept was the gospel। इसी के लिए आप बोल रखा है दूसरे को सुनते हो 4:4 में कि शैतान किसको डांपता है, सुसमाचार को डांपता है, और किसी को नहीं डांपता, वचनों को नहीं डांपता। आपके आपकी बहुत अच्छी आज्ञाकारिता है, उसको नहीं कितना राज, उसको बस ये है कि जैसे सुसमाचार समझ में आ गया, अर्थात अनुग्रह समझ में आ गया, तो ये सब मेरे हाथ से वो है गुप्त ज्ञान। कौन सा वचन है क्या चीज, पहला दूसरा कौन से, 4:4 पढ़ के देख लें।
दूसरा कुरिन्थियों 4:4, ये अभी जो पढ़ाया था मैंने वो पूछ रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 पढ़ लें, पढ़े कुछ। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तेजो में रोमियो में लिखा था ना, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल व्हिच इज द पावर ऑफ गॉड। सामर्थ किस में? सुसमाचार में, दस आज्ञाओं में नहीं है। सो देयर हैज टू बी अ वे टू हाइड द शेयर द गॉस्पेल, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा हुआ, एक्सपीरियंस किया मैंने कि जब गॉस्पेल शेयर किया जाता है पीपल डोंट बिलीव। क्योंकि उसके लिए तो मैं आपको बता दूं पवित्र आत्मा की अगुवाई लेनी पड़ेगी शेयर करे या ना करे। ये बिल्कुल देखो, वैसे तो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया ग्रेट कमीशन, गो एंड प्रीच इन द गॉस्पेल, यहाँ तक एक्ट्स में जब बोला गो एंड विटनेस ऑल टू द नेशन, पर वही आप जब एक्ट्स में चलते हो तो पौलुस उस आज्ञा को पूरा करके कहा कि मैं आज एशिया में जाता हूँ, और कोई साथ मैंने रोक लिया, कमांडमेंट तो ये था कि सारे जगह जाकर कब और कैसे प्रीच करना है वो आत्मा से, रिश्ता जब तक परमेश्वर से नहीं हुआ तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर कोई सुसमाचार बताने से कुछ नहीं होने वाला इसके, बिकॉज यहाँ तक इब्रानियों में लिखा था दे डोंट मिक्स इट विद फेथ। वो विश्वास क्या था? यीशु मसीह की धार्मिकता, विश्वास की धार्मिकता। जब तक वो नहीं समझ में आएगी, आत्मा नहीं पाएंगे, सुसमाचार भी सही है। आप एक चीज मेरे को बताओ, किस चर्च में जाकर किसने गॉस्पेल नहीं किया? सब जगह बोलते हैं यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, चर्च में भी यही सिखाया जाता है, मत क्यों नहीं है? आत्मा का वो सामर्थ्य नहीं, विश्वास हो किया ही नहीं। ये मत सोच लेना कि खाली बस गॉस्पेल बोल दिया तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जब तक अर्थ पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगी, आप जिसको बता रहे हैं उसको भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हु रिवील्स क्राइस्ट स्पीक्स हिज होली स्पिरिट, वो बोलता है कि तू मुझ पर विश्वास नहीं कर, तब जाकर जैसे उसको पवित्र आत्मा ने बोला तो गया, वो था ना जो दक्षिण के मार्ग में जा रहा था एक्स में प्रेरित में हो जा, बल्कि उसको तो उठाकर ही ले गया पवित्र आत्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसके बाद में आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ रिश्ते के बारे में। सबसे पहला रिश्ता हस्बैंड वाइफ का होता है। अब फैमिली में आप देखोगे अक्सर आप कहोगे कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? आप सोचते हैं क्योंकि ये लोग ना तो बाइबल पढ़ते हैं ना तो आज्ञाकारिता कब आती है? जब पहली चीज अर्थात हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप सही होगा तब बच्चे आज्ञाकारी होंगे। और ये मैं दो तीन काउंसलिंग से आई एम फुल्ली कन्विंस्ड, में एक फैमिली अरुण करके पुणे में, उनकी एक ही बेटी थी तो वो बिल्कुल बिगड़ती जाएगी, सुनती नहीं थी। अरुणा कर उसको गीता तो उसको बाइबल नहीं पढ़ाती, मैं तो सुबह कोशिश करता हूँ उसको बाइबल पढ़ाने के लिए पढ़ाना वही बात। तो मेरे उस टाइम मेरे को पवित्र आत्मा ने सिखाया कि उनको ये बोल कि तुम दोनों सही नहीं हो, इसके लिए प्रॉब्लम है उस बच्चे में। तो मोमेंट दे करेक्टेड अकॉर्डिंग टू द वर्ड वो आज्ञाकारी हो गई। वो वैसे वो कई सालों से जूझ रहे थे, बिल्कुल आज्ञाकारी। अभी रिसेंटली बैंगलोर में एक फैमिली में ऐसी हुआ, उनके भी एक ही बेटी है, वो दोनों अर्थ से जूझ रहे थे। मैंने कहा ये प्रॉब्लम उन दोनों जब तक नहीं होगी, इस वजह से होता है डोंट एक्सपेक्ट की शी विल बिकम, दे आल्सो रिवील्ड इट टू देम, और तब जाकर ये रिलेशन बच्चे आपके आज्ञाकारी होंगे। जब आप और हस्बैंड और वाइफ बिब्लिकली इस चीजों को समझ के कह रहे हैं अपने आप को, सही कर अपना आप हो जाएंगे। जनरेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ की, इसके कारण लोग बच्चे आगे करेंगे। और इवन आगे भी चलोगे आप तो इसमें आपके इसके लिए भी लिख रखा है Your bosses and your subordinates. ऑफिस में कब रिलेशनशिप सही होगा? जब घर में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप सही होगा।
आप मैं तो अपने आईएएस के बीच में बहुत उसको देखता है, जैसी मैंने और विश्वास ही नहीं है, जैसी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होती सबसे पहले ऑफिस में रिफ्लेक्ट होता है, सुबह सुबह आपको समझ में नहीं आया, आप बहुत आगे कुछ नहीं करना, कुछ ना कुछ घर की प्रॉब्लम जिसको आकर वेंट आउट करता है वो। ये चीज आपके भी हमेशा होगा, जैसे आप इस चीजों को कुछ नहीं चले तो फिर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, वो सबसे पहले होता है आपके वर्क प्लेस में, वो दो मिनट में समझ में आता है, बॉस और बीवी की बनती नहीं है। अगर कोई वचन का ज्ञान ही हो तो एक मिनट में समझ, वैसे तो सोचता रहेगा पता नहीं बॉस से क्या हो गया आज, मैंने क्या गलती की, आपको अपनी गलती ढूंढने की जरूरत नहीं, जान रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के घर में रही होगी, फैमिली प्रॉब्लम के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क प्लेस में प्रॉब्लम शुरू होती है, इट्स अ फैक्ट। तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है, इसको पढ़ लेना बड़ा अच्छा लगेगा, और स्वामियों को और फिर स्वामियों को लेकर धमकी नहीं देना चाहिए, सब नहीं देना चाहिए, दैट इज ऑल रिलेशनशिप, इसमें मैं नहीं जाता आप लोगों में क्योंकि हस्बैंड वाइफ में, मत सारा रूट जो है इस सारे आगे के रिलेशनशिप्स का इज बेस्ड ऑन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, पति पत्नी में कैसा संबंध है उसके आधारित आपके बच्चों का संबंध, माँ बाप से संबंध और सबॉर्डिनेट्स और बॉसेस से संबंध निर्भर करेगा। मैं जब प्रभु में आया इस चीजों को समझा, मैं आपको बता दूं मेरे पास डिपार्टमेंट के सबसे बदमाश से बदमाश लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरा सबसे पहला रिलेशनशिप हाउस वॉज राइट और वो अपने आप उसमें, और फिर परमेश्वर के वचन से आप बेस्ट चीज अगर सीखना हो इन चीजों को तो वन ऑफ द गुड प्लेसेस टू अंडरस्टैंड इज रोमन्स में, जब जाएंगे आप रोमियो 12 में पढ़ते हैं कुछ कुछ, मैं दर्शा तो पढ़ना सारी चीजों को करना यहाँ बड़ा सारे उपदेश बड़े अच्छे, जो उपदेशक हो वह उपदेश 8 से पढ़ रहा हूँ, लगा दान देने वाला प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। अब ये आपकी सारी चीजें एडवाइजरी, इससे परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं हो रहा, अब ये आपके इंटर रिलेशनशिप, आप एक दूसरे से लोगों से किससे बच्चों से, तो निष्कपट होना चाहिए, बुराई से घृणा हो और भलाई से लगे रहो, भाईचारे के प्रेम को, एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, हम उल्टा करते हैं, दो मिनट लगता है हमको एक दूसरे को निरादर करने में, बिल्कुल लगता था आदर करने, बाइबल में लिख रखा कि पुराने क्योंकि सैरा कैसे बोलती थी अब्राहम को, लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें, इसको आप पढ़ना, सारी चीजें जैसे आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, ये फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, कलेश भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, पर उसमें बने रहना है प्रार्थना के साथ, उसको करना, प्रार्थना ये नहीं करनी कि परमेश्वर कुछ कर, प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तेरी धार्मिकता हूँ मैं, तेरा अधिकार मुझे मिला है और इस परिस्थिति को भी हम जयवंत होंगे क्योंकि हम नया जन्म पाए हुए, तो हर परिस्थिति में हम विश्वास में जीवन, हमें ऐसी चीजें करनी है। फिर जैसे एक बहुत अच्छा लिखा है, इसको कई बार नहीं समझ पाते हैं, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो जहां तक हो सके, ये एक बहुत बड़ी चीज, ऐसा नहीं लिखा कि हमेशा, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ भी नहीं मेल मिलाप रखो, हर सक प्रयास करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं आ जाएगा एक दिन में कि आप प्रेम करने लग जाओ, आपको हर सक प्रयास करना पड़ेगा। फिर एक बहुत अच्छी चीज जिसको समझे आप तो ये 19 में लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध का अवसर दो, परंतु क्योंकि लिखा है कौन सा, इफ पॉसिबल ऐसा
परमेश्वर वाला वो कहाँ पे पढ़ना, इसमें मैं क्या कुछ प्रॉब्लम उन्नीस हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को, इसमें कुछ गलत है, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर पढ़ते हैं क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम। अब यहाँ पे क्या है, बदला लेना मेरा काम है, इसमें हम बड़े खुश होते हैं। आज किसी के साथ बुरा हो रहा, अच्छा मेरे साथ ऐसे करता था परमेश्वर ने बदला, एक्चुअली में ऐसे नहीं लेता परमेश्वर बदला उसके ऊपर कोई, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपसे नहीं करा है, उससे भी उतना ही प्रेम करा, उससे कोई बदला नहीं लेता है। बदला लेने का तरीका अगले वर्ष है, पढ़ो परंतु मैंने ये ऊपर वाले वर्ष से जुड़ा हुआ है, परंतु यदि तेरा बैल भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों कैसे अंगार पटोगे, परमेश्वर के प्रेम में चला। कभी कोशिश तो करके देखो, जब बीवी या आदमी एक दूसरे को कर रहे हैं चल के तो देखो, तब देखो कैसा अंगार पड़ता है उसके ऊपर। हम सोचते परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर कभी बदला ऐसे नहीं लेता कि उसके ऊपर कोई प्रताड़ित डालेगा चलाना, वो आपको अपने उसके प्रेम से चलाना चाहता है। बेस्ट वे की दला इसको आधा पढ़ते हैं हम लोग बड़े खुश, मेरे से इसने ऐसा करा था, अब परमेश्वर बदला ले रहा है, इसके ऊपर जो बीमारी आई है, सॉरी परमेश्वर ऐसे नहीं कर रहे, परमेश्वर ने रास्ता बताया कैसे, परंतु हम उससे प्रेम करें उसको, तब जाकर आग बरसती है। हमें बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। हम लोग क्या सोचते हैं बुराई को बुराई से जीतने की, बुराई को बुराई से बुराई को बुराई को, तो ये सारे रिलेशनल चीजें तो बाइबल भरा हुआ है, कोई अंत नहीं है। आगे आप पढ़ोगे में एक और रिलेशनशिप में एक चीज और खत्म करके फिर मैं खत्म करूंगा, थोड़ा लंबा चला गया मगर अच्छा लगेगा आपको। पत्रस में चलते हैं, पत्रस 30 में, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन होगी, जैसे कि इसको मिल करता है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। आप में से कोई हस्बैंड पत्नियों के लिए विषय जो वचन को ज्यादा नहीं देखते क्या है, तो फिर हमको कैसे चलना है, चाल चलन। इवन अविश्वासी पति भी विश्वास में आ जाएगा कैसे, उसको फिर वो वर्णन वर्णन दिया है, कौन सा है पीटर का, ये पीटर फर्स्ट पीटर 3:1 से पढ़ रहा हूँ, फिर तीसरा जो है जिसको कंफ्यूज करते हैं कलीसिया में, और तुम्हारा सिंगार दिखावती न हो अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, इसमें ज्यादा चीज उठाते हैं पेंटिकॉस्ट, सोना नहीं पहनना चाहिए, अगर सोना नहीं पहनना चाहिए तो कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, वो उसी के साथ भी रखा है। सोना कोई मना नहीं है, अगर सोना इतना गलत था तो आदम की वाटिका में सोने उस नदियों में नहीं होना चाहिए, उस संदूक जो आर्क ऑफ कवेनेंट में सोना नहीं चढ़ाना चाहिए था, पर सोना करो फिर आपको जहाँ ले जा रहा है वहां पे सोने में चलवाना चाहता है आपको, दियो सोना कोई गलत नहीं, ये सब स्क्यूड है रिलीजियस थॉट्स, क्योंकि हम सोचते हैं कि सोना क्योंकि ये सोचते सोना पहनने से नरक चले जाएंगे, अगर सोना पहनने से नरक चले जाएंगे तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आमीन। और अगर सोना पहना पाप है तो भी परमेश्वर ने उस पाप को माफ कर चुका है यीशु मसीह ने, आमीन। इन चीजों को हम लोग स्क्यूड रिलीजन में बना दिया है, तो वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तो नम्रता, और ये है एक्चुअली परमेश्वर जब दाऊद को भी चुना था तो परमेश्वर ने बड़ा स्पष्ट जेसी को बोला था, सॉरी सामुएल को बोला था कि परमेश्वर आपकी भारी चीजों को नहीं देखता, वो आपके हृदय को देखता है, और दाऊद का हृदय कैसा लिख रखा है बाइबल में, परमेश्वर के जबकि पाप करा सब कुछ करा उसने, मगर तब भी कैसा था मन के हिसाब से, वो कैसा था परमेश्वर के मन का था, क्योंकि वो जानता था कि मैं संपूर्ण दाऊद बेस्ट एग्जाम्पल हूँ कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन लॉर्ड,
और यहाँ तक कि जब उसने पाप किया तो वो फौरन तैयार हो गया कि मैंने ये गलत किया। साउल ने नहीं किया, साउल लड़ा रहे थे, मैंने जो करा वो सही है। जब तक हमारे रहते हैं तो परमेश्वर, वो फिर परमेश्वर का हृदय नहीं है हमारा। रिपेंटेंट आर्ट इज वन, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करना जानते हैं। इसमें आगे फिर अब्राहम के और उसके बारे में बताया है। एक सातों मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, वैसे ही पतियों, पत्नी का तो हो गया, पतियों के लिए, पतियों तुम भी बुद्धिमानी से, दुनियादारी की बुद्धिमानी से नहीं, परमेश्वर के वचन की बुद्धि से, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये फैक्ट है, वुमन का नेचर जो है वो निर्बलता है, बल्कि दे आर सो हम्बल की पाप भी बहुत जल्दी से मान लेते हैं कि ईव इमीडिएटली एक्सेप्टेड लॉर्ड, आई हैव बीन डिसीव्ड, एडम डिड, आदम सबुआ ने फट देने से मान ली। ये आप फैक्ट है, देख लेना, घर में भी देखोगे और तो बहुत जल्दी मान लेती है, हाँ गलती करा करके, आदमी लोग ये अड़े रहते हैं। तो यहाँ लिखता है कि ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, और ये कौन सा जीवन, परमेश्वर का। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, अगर आप एज ए हस्बैंड रहकर आपके प्रेयर्स का आंसर नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है। नॉट सेटन इज एंटरिंग, नॉट मेनी टाइम्स, इट इज दिस प्रॉब्लम, वी हैव नॉट कंसिडर्ड आवर वाइव्स, हमने अपनी पत्नियों को नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। प्रेयर्स का एक हिंड्रेंस का कारण ये बहुत बड़ा होता है, इसको हमेशा और रिलेशनशिप्स में बोल रखा है कि जब आप फर्स्ट कोरिंथियंस 7 में बोल रहे थे कि हमको अपना शरीर पति का नहीं होता, पति का शरीर पत्नी का होता है, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होते हैं उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, करना चाहिए उसको हिंदू जैसे। वो फिर लिखा था कुछ समय के लिए प्रार्थना में रहो तो इन चीजों में मत जाओ, मगर फिर एक दूसरे को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके, सेक्सुअल लाइफ शुड बी वेरी बैलेंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ये कारण है जिससे बड़ा आराम से शैतान आपके जीवन में, जब ये नहीं रखते हो सही तो इसके इफेक्ट, ये बहुत जरूरी है। दैट इज हाउ चीजों को ध्यान रखते हुए उनको करना है। अब आपके इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, रिलेशनशिप की कहीं क्वेश्चन आपके हो तो। एक और अंकल इसमें एक चीज और है ना, जो सर ढांकने वाला है वो भी थोड़ा सा वो पहला कोरिंथियों में है, पहला कोरिंथियों 11 में है ना, हाँ यार प्रभु भोज वाले में ही है। देखो इसको जब आप पढ़ोगे तो ये बेसिकली एक समय में किस चीज के लिए लिखा था, ये कोरिंथियों चर्च में एक प्रॉब्लम हुई थी और एफिसस में, और इसमें जो था वहां पे क्या है कि जो वुमन प्रोस्टिट्यूट होती थी, टेम्पल प्रोस्टिट्यूट, वो भी प्रभु में आ गए थे, वो लोग भी आने लग गए थे, और वो उसके बारे में ये चीजें लिखी है ना, उसके कारण है। और आपको ये बता दूं कि इसको जब पॉलुस जब बोलता है उसको अंत कैसे करता है,